हेलो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था एडोबी स्कैन ऐप से डॉक्यूमेंट कैसे स्कैन करते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जो डॉक्यूमेंट्स हमने स्कैन किया है उसे हम अपने डिवाइस या मोबाइल में कैसे पीडीएफ के फॉर्म में सेव करते हैं। तो उसके लिए हम एडोबी स्कैन ऐप ओपन करेंगे। ये ओपन हो चुका है। उसके बाद ऊपर होम का सेक्शन बना हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे और जो सबसे ऊपर का डॉक्यूमेंट्स है उसे हमने स्कैन किया हुआ है, इसे ओपन करके देखते हैं। पहले तो जूम करने पर भी ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है, तो या तो हम कॉर्नर पर मोर पर क्लिक करेंगे या फिर बैक जाएंगे और यहाँ पर सबसे नीचे मोर का साइन बना हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद कॉपी टू डिवाइस, इस पर क्लिक करेंगे सबसे ऊपर। अब यहाँ पर हम नेम अगर चेंज करना चाहें तो नीचे नेम चेंज कर सकते हैं, या फिर अगर इसे डायरेक्टली सेव करना चाहें तो इसे डायरेक्टली सेव कर सकते हैं, या फिर किसी फोल्डर को भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं किस फोल्डर में हम इसे सेव करना चाहते हैं। तो हमने सेव पर क्लिक किया, एडोब स्कैन मतलब ये सक्सेसफुली हमारे डिवाइस में सेव हो चुका है। अब हम इसे ओपन करके देखते हैं कि ये मोबाइल में सेव हुआ है या नहीं हुआ है। तो हमने फाइल मैनेजर ओपन कर लिया है। अब हम फाइल मैनेजर को रिफ्रेश करके देखते हैं कि ये आया है या नहीं। तो देखिए ऊपर एडोब स्कैन 25 सितंबर, इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारा जो डॉक्यूमेंट्स है वो सक्सेसफुली आ चुका है। तो इस प्रकार हम डॉक्यूमेंट्स को अपनी डिवाइस में सेव कर सकते हैं एडोब स्कैन पर।